हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेश कुमार मौर्य अपने चैनल आरके ग्री सोल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ब्रिंजल की कुछ महत्वपूर्ण वरायटियाँ जो कि आपकी जून जुलाई अगस्त में नर्सरी पड़ेंगे। हम कुछ लंबी वरायटियाँ, कुछ गोली वरायटियाँ, कुछ बल्ब आकार की वरायटियों के बारे में आज बात करने वाले हैं। दोस्तों, काफ़ी अच्छी वरायटियाँ हैं, आप लोग इन सभी वरायटियों की नर्सरी आप जून जुलाई अगस्त में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, हम आप लोगों को पता है सभी वरायटियों का रिव्यू भी देता हूँ, पहले दूसरी पहले वरायटी के बारे में बताता हूँ, फिर उनका रिव्यू कराता हूँ कि किस तरीके से वरायटियाँ फील्ड में ग्रो कर रही हैं, अच्छी हैं कि नहीं अच्छी हैं, खुद लगाता भी हूँ, उसके बाद ही आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, पहली वरायटी मैको कंपनी की माई 112 है। यह बल्ब आकार से थोड़ा सा बड़ा और जो गोला आकार होता है उससे थोड़ा छोटा होता है। आप इस वरायटी को नर्सरी डाल सकते हैं पूरा जून जुलाई में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। काफ़ी अच्छी वरायटी होती है, मार्केट में भी अच्छा खासा रेट मिलता है, क्योंकि इसका जो है फल थोड़ा सा बड़ा भी होता है, बहुत छोटा भी नहीं होता, थोड़ा सा गोले आकार, जैसे कुछ लोग गोले आकार की वरायटी ढूंढते हैं तो वहाँ पे भी आराम से चल जाती है, जो चोखा के लिए प्रयोग की जाती है, तो आप इस वरायटी को लगा सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट वरायटी है सेंगुरो कंपनी की, ये 704 नंबर, ये रेड कलर की होती है, लंबी वरायटी होती है, बहुत ज़्यादा फल इसका लगता है। पिछले साल एक किसान ने लगाया था, उन्होंने बताया कि काफ़ी अच्छी वरायटी, तो हमने पूछा था तो बोले ठीक है, उसका फ़ोटो हमारे पास है, नहीं आप लोगों को दिखा देते, आप इस वरायटी को भी लगा सकते हैं, संगमरमर का 704 नंबर। नेक्स्ट वरायटी है दोस्तों बीनार की 218, यह भी लंबी होती है लेकिन इसका कलर थोड़ा सा अलग होता है, बैगनी कलर का होता है, वो तो मान ली रेड टाइप में थी लेकिन ये बैगनी कलर की, इसका रेट मार्केट में अच्छा खासा मिलता है, उसका थोड़ा सा रेट मार्केट में कम मिलता है, लोग उसको थोड़ा सा कम पसंद करते हैं, बट इस वरायटी को अच्छा खासा पसंद करते हैं, आप इस वरायटी को भी लगा सकते हैं, अच्छी वरायटी। अब रेट वोट की बात क्या किया जाए दोस्तों, रेट में क्या होता है, बहुत सारे दुकानदारों का थोड़ा बहुत अंतर, बहुत ज़्यादा अंतर भी हो जाता है, बहुत तरीके से 50-50 रुपये पर पैकेट के हिसाब से कमा लेते हैं, बाकी ये सब वरायटियाँ ब्रांड की हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कमाई दुकानदार की भी नहीं होती, 10-20 रुपये का अंतर होता है, आप कहीं से भी ले सकते हैं। नेक्स्ट वरायटी दोस्तों बीनार कंपनी की 212 या बल्ब आकार की वरायटी होती है, काफ़ी अच्छा इसका, अगर इसके मार्केट की वैल्यू किया जाए तो सब्जी के लिए बहुत अच्छा, ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है, आप इस वरायटी को आराम से लगा सकते हैं, बेच भी सकते हैं, अच्छा खासा रेट भी मार्केट में आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वरायटी की बात करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट वरायटी, अब हम तीन वरायटी और बताएंगे जिसमें गोले आकार की वरायटी, तीनों अच्छी खासी वरायटी हैं, आप लोग की मार्केट में जो भी चल रहा है आप उन सभी वरायटियों को लगा सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वरायटी है दोस्तों इंडो अमेरिकन के इंडम सुपीरिया, काफ़ी अच्छी वरायटी है, अच्छा खासा सेल भी होता है, मार्केट में अच्छा खासा चलता है, आप इस वरायटी की नर्सरी डाल सकते हैं और लगा भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, काफ़ी अच्छी वरायटी, चलिए नेक्स्ट वरायटी बात करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट वरायटी है नाथ कंपनी की 469, इसका थोड़ा सा कलर गजब का होता है, ये जैसा दिख रहा है ऐसे भी होता है, मार्केट में अच्छा खासा रेट मिलता है। ये जो इंडो अमेरिकन और ये नाथ की जो दोनों वरायटी में आप लोगों को बताएं, ये और ये दोनों वरायटी काफ़ी अच्छी वरायटी हैं, मार्केट में इनका रेट अच्छा खासा मिलता है, जब आप मार्केट मंडी में लेके जाते हैं तो अच्छा जल्दी से जल्दी बिकने की कोशिश होती है। नेक्स्ट वरायटी है दोस्तों सेंगुरो कंपनी की नवीकरण है, इसके क्या होते हैं पूरा ब्लैक ब्लैक होता है, तो थोड़ा सा मार्केट में जब बैगन नहीं रहता तो लोगों को अगर लेना है तो लेंगे ही थोड़ा सा, लेकिन इसका मार्केट वैल्यू थोड़ी सी कम होती है, बाकी अच्छा बैगन ये भी होता है, गड़बड़ नहीं होता है, आप इसको भी लगा सकते हैं, बहुत सारे किसान भाई लगा भी रहे हैं। तो ये सारी 6-7 वरायटियाँ आप लोगों को हम बताएँ, आप ये सारी ब्लैक हैं, बाकी कुछ वरायटियाँ व्हाइट भी आती हैं, लोग उसको बहुत कम लगाते हैं, तो उसके वरायटी उन सब वरायटियों के बारे में मैं आप लोगों को नहीं बताया हूँ। ये सभी वरायटियाँ आप इन सब की नर्सरी आराम से जून जुलाई अगस्त में डाल सकते हैं, अभी मई में भी डाल सकते हैं, इनकी कोई दिक्कत है, बाकी टमाटर और गोभी की मई में मत डालिएगा अगर आपको नॉर्मल फील्ड में लगानी है तो, और बाकी इन दोनों की आप नर्सरी डाल सकते हैं, बैंगन की पूरी डाल सकते हैं, मई में डाल सकते हैं, मई में आपको सभी वरायटियाँ मिल भी जाएंगी आपको मार्केट में, और जो भी वरायटी आपको लगानी है आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मार्केट में जा कर के आप खरीद लीजिएगा दोस्त। ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए इतने। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।